Hello friends, so we are live. I hope everybody doing good on Sunday evening. Namaskar dosto, swagat hai aapka sham ke is discussion mein. Jaisa hum log last week kar rahe the aur usi baat ko aage badhate hue har saptah har Sunday ko hum log ye session lekar aa rahe hain aap sabke liye. Topic hai better thoughts, more opportunity, higher result. अच्छी सोच, ज्यादा संभावनाएं और बेहतर परिणाम. सो इसी के साथ में हम लोग आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं. और आज मेरे साथ है स्पेशल गेस्ट मिस्टर प्रियदर्शन जोशी. थोड़ी देर में मैं आपको उनके साथ भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं और हम उनसे डिस्कस करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक्सपीरियंस, उनके ओपिनियंस इसके बारे में. तो इसके पहले अगर मैं आपको बात शुरू करूँ तो मैं उसके पहले आपको कुछ चीजें जो है मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ. और वो है कि आज का मोटिवेशन, अगर आज हम ये शुरू कर रहे हैं तो आज का हमारा मोटिवेशन क्या है. और इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अभी या बाद में तो प्लीज फेसबुक चैट पे आप क्वेश्चन पूछिए. हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे, एक एक करके वो क्वेश्चन भी लेंगे. और अगर आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो आप प्लीज यस टाइप कीजिए आपके चैट में. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कीजिए और हम वो क्वेश्चन भी धीरे धीरे लेंगे. तो इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन. और मैं शुरू करना चाहता हूं आज का मोटिवेशन, टुडेज मोटिवेशन. और यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बात अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं. और वो ये है, जो एक कोट है मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड इज अ चॉइस. सफलता अचानक से नहीं आती है, वो आपकी सोच और सोच के साथ किए गए एफर्ट्स पे है. और आपकी सोच आपकी चॉइस है. आपका एटीट्यूड मैटर करता है क्योंकि आपके एटीट्यूड से आपका बिहेवियर डिसाइड होता है, आपके बिहेवियर से आपके एक्शंस डिसाइड होते हैं, आपके उन एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होते हैं. और ये साइकिल जब आपका चलता है लगातार कंटिन्यूस तो आपको सक्सेस मिलती है, आपको अचीवमेंट्स मिलते हैं. और वो बाय एक्सीडेंट नहीं होते, वो आपकी मेहनत से होते हैं. तो ये हमारा मोटिवेशन था आज का. और अगर मैं इसी की बात दूं तो आप ये लोगों को देख रहे हैं पिक्चर पे, राइट, क्रिकेटर्स हैं. ऑब्वियसली हम सब लोग क्रिकेटर्स को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं. आप देखिए ये सारे प्लेयर्स इंडिया का नाम रोशन किया है और इनकी सफलता कोई एक दिन में अचानक से नहीं आई है. 15 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल की मेहनत, कंसिस्टेंट लगातार अपने काम में लगे रहना मेहनत के साथ में, और उसके साथ में उस तरह की चीजों को करने का एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सफलता मिलती है. तो इसी टॉपिक के साथ में मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज की गेस्ट मिस्टर प्रियदर्शन जोशी का. वो अभी सीईओ हैं अपनेक्सो टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी में बड़ौदा में. डेफिनेटली हम उनके बारे में उनसे ही जानेंगे कि वो क्या करते हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है. जस्ट एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं और प्रियदर्शन दोनों ने अपना करियर साथ में शुरू किया था आज से करीब करीब 18-19 साल पहले. और एक ही दिन एक ही साथ हम लोगों ने हमारा करियर स्टार्ट किया था. तो वो हमारा एक बहुत तब से बॉन्डिंग है और हम लोग करियर, प्रोफेशनल जर्नी, पर्सनल जर्नी साथ में रही है. कई बार हम लोगों ने चीज़ें साथ में की हैं, कई बार हम लोगों के जो प्रोफेशनल पाथ हैं वो अलग भी हुए और आज फिर हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो उन्हीं के बारे में उन्हीं से पूछेंगे और मैं चाहता हूँ उनको मैं इन्वाइट करूँ. Hey everyone. हेलो प्रियदर्शन जी, पीडी. सो प्रियदर्शन को हम लोग शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, सारे फ्रेंड्स, सारे कलीग जो होते हैं वो उनको पीडी बोलते हैं.
सो हेलो पीडी, कैसे हैं आप? बस फाइन, आप कैसे हो? गुड गुड, सो वेलकम। और सबके बेनिफिट के लिए मैं चाहूंगा कि क्विक इंट्रोडक्शन आप खुद दें, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली आपका फैन हूँ, फ्रेंड्स हूँ, तो मैं तो काफी कुछ जानता हूँ, तो आप अपनी तरफ से बताएं। श्योर, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा करियर स्टार्ट हुआ, जैसे आपने बताया, 2002 में, जब हमने पटनी कंप्यूटर एक साथ ज्वाइन की थी। आई वॉज देयर फॉर अराउंड 6 ईयर्स। उसमें आई वॉज पार्ट, आई वॉज इन टू ओरेकल एप्लीकेशन, जो आई थिंक अभी देख रहे हैं मोस्ट ऑफ यू वही फील्ड में है, इसलिए आई वॉज लुकिंग, मैं ऑर्डर टू कैश और प्रोक्योर टू पे साइकिल्स देखता था। और जब करियर स्टार्ट किया तो आपने और हमने दोनों ने ओरेकल 10.7 से स्टार्ट किया था, टर्मिनल जो वर्जन था उससे। उसमें काम करने का तो मजा ही कुछ और था, बहुत ही फास्ट था और खटाखट खटाखट चीजें होती थी। उसके बाद एक साल मुझे यूएस जाने को मिला, 2006 में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज आर क्लाइंट, एंड वी वर पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन टीम विच डिड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन व्हेन एनवाईसी गॉट लिस्टेड विथ 5 डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड सॉरी, एनवाईसी गॉट मर्ज विथ 5 डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इट ऑल्सो गॉट लिस्टेड ऑन इटसेल्फ। तो 2006 एनवाईसी गॉट लिस्टेड, और उसका जो ओरेकल एप्लीकेशन फाइनेंशियल ऑर्डर टू कैश साइकिल थी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हमने 5 डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के सारे डेटा, अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम थी, उसको ओरेकल में कन्वर्ट किया था और गो लाइव भी गए थे हम। फिर 2007 में मैं वापस आया और 2008 से मैंने कंपनी स्टार्ट की। इनिशियल कंपनी जो थी वो टेक्समार्ट टेक्नोलॉजी के नाम से पहचानी जाती थी। और जब मैं वापस आया तो वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट विच वॉज सिमिलर टू टर्बो टैक्स इन यूएस। जैसे आप ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग कर सकते हो, 2008 में तब उतना ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग का जो है शुरू हुआ था। सो मुझे लगा कि वो एक अच्छा मौका होगा एक नए फील्ड में जाने का, क्योंकि मुझे पहले से ही बिजनेस में आना था, तो मुझे लगा कि दैट वुड बी अ गुड बिजनेस टू गेट इनटू। तो 2008 में हमने स्टार्ट किया, लेकिन 2010 में 2 साल हमने वो किया, टैक्स फाइलिंग का बिजनेस किया, बट 2 साल के बाद रियलाइज हुआ कि ये टैक्स फाइलिंग तो बहुत ही सीजनल बिजनेस था। सो वी हैड 1 month ऑफ रेवेन्यू एंड 12 months ऑफ एक्सपेंस, सो सस्टेन करना बहुत पॉसिबल नहीं था। तो फिर 2010 में वी स्टार्टेड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और 6-7 साल हमने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की। उसके बाद दो चीज हुए, एक तो हमने थोड़ा अपनी खुद की ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग तो नहीं बोलेंगे, एक होस्टिंग की रिव्यू साइट बनाई, जिसमें हम अलग अलग होस्टिंग कंपनीज को स्टडी करते हैं, उनके सर्वर्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बाद हमारे रिव्यू लिखते हैं। तो वो किया, और दूसरा साथ में हमने मैक की एप्स बनाना शुरू किया, और जो आप अभी देखते हो वो हमने एक एग्जिस्टिंग ऐप ली थी, जो हमने जैसे लिखा $1,000 में हमने ली थी, और उसको अभी इट्स ऑलमोस्ट $70,000 नाउ टोटल रेवेन्यू टिल नाउ। तो ये थी अभी तक की जर्नी। वेरी गुड, परफेक्ट। सो मुझे लगता है काफी लोगों को उससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा, और पर्सनली मैं आपसे गाइड कोचिंग लेता ही रहता हूँ, और मुझे खुद आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन और हेल्प सपोर्ट मिलता रहता है। तो मैं इसी में कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में थे, मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और उसके पहले जो हमारी ऑडियंस ज्वाइन कर रही है, मैं उनसे दो तीन चीजें सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये, आप अगर मेरी वॉइस अच्छे से सुन पा रहे हैं और प्रियदर्शन की वॉइस भी सुन पा रहे हैं और ऑडियो स्ट्रीमिंग आपके साइड में अच्छी आ रही है, तो प्लीज टाइप यस और गुड इन कमेंट्स। उसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे या प्रियदर्शन से पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं हम दोनों उस टॉपिक पे डिस्कस करें, तो आप वो क्वेश्चन भी लिखिए। और इसके अलावा अगर आपको हमारा ये लाइव डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो इस लाइव को आप एक लाइक बटन भी दीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ, ये हम लोग का एफर्ट आपको पसंद आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग
कमेंट्स करें ताकि मुझे लाइव इंटरेक्शन पता चलता रहे कि आप लोग इसको देख रहे हैं, सुनाई दे रहा है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, और एक थम्स अप तो बनता है। तो इसी के बाद साथ में आप ये टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, और कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, तो वो क्वेश्चन जो है वो एक एक करके मैं पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में तो बताया ही है। एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे दिमाग में है कि करियर वाइज या प्रोफेशनल में, या कभी आपने मतलब आज जो लॉकडाउन है या आज जो एक सिचुएशन आ गया है प्रोफेशनली, मैं कहूँगा हर एस्पेक्ट में, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, ग्लोबल, हर एक के आगे आप ये सिचुएशन लगा सकते हैं कि कोविड की वजह से ये चीज अफेक्ट, ऐसा कभी आपके करियर में आपने कभी देखा, करियर में, लाइफ में, जहाँ पे आपको लगा कि दिस विल बी द क्राइसिस, दिस वॉज द क्राइसिस, कोरोना जितना तो नहीं बट आपको जिससे पर्सनल अफेक्ट हुए, प्रोफेशनली अफेक्ट हुए, आपका एक थॉट ही पूरा पाइवट हो गया, पूरा आपका ओपिनियन चीजों को लेके बदल गया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ आज के इस लॉकडाउन के अलावा? वैसे तो दो इवेंट्स याद आते हैं जो लोग कोरोना की जितना तो अफेक्ट नहीं किया, लेकिन जो जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड को और थोड़ा बहुत इंडिया को थोड़ा चेंज किया। एक तो पहला है 9/11 जो यूएस में हुआ था। अच्छा। वो भी एक टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड के लिए। और दूसरा ये जो 2001 में ये गोधरा का ये हुआ था, तो राइट्स जो हुए थे वो भी बहुत ही यानी प्रोफाउंड इम्पैक्ट वाले थे, जो मुझे याद आते हैं कि ये चीजें बहुत ही गंभीर थी और जो अफेक्ट किया होगा बिजनेसेस को। अच्छा, तो आपने कभी, आपका अगर मैं पूछूं कि मतलब एक अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आपका रूटीन क्या है, या आप इस लॉकडाउन को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को एंगेज रख रहे हैं, मोटिवेटेड रख रहे हैं, क्योंकि बड़ा नेगेटिव सा एनवायरनमेंट है, चाहे आप टीवी देखें, व्हाट्सएप देखें, न्यूज़पेपर देखते हैं, कुछ भी, या लोगों से बात करते हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल, एज ए पर्सन एंगेज रख रहे हैं, मोटिवेटेड रख रहे हैं? आपको एक मैं छोटा सा एक इंसिडेंट तो नहीं बट छोटी सी एक बात बताऊं। ये जब कोरोना का स्टार्ट हुआ तब मैं भी हर रोज कोरोना के न्यूज देखता था, वो कोरोना के नंबर्स देखता था, वर्ल्ड में कितने हुए, ये हुए। हाँ। तो विदाउट रियलाइजिंग मुझे क्या हुआ कि एक बार मैं खुद ऐसे थोड़ा बीमार पड़ा। अच्छा। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ही कोरोना हो गया है। तो सिम्टम्स भी अभी क्या है, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो आपको दुनिया वैसे ही दिखने लगती है। तो कोरोना के सिम्टम्स तो पता थे कि ब्रीदिंग हैवी हो जाता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ब्रीदिंग हैवी हो गया है और मुझे बुखार आ रहा है। तो ये टाइम था और फिर मैं पास में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में चेकअप कराने गया। तो उन्होंने बीपी, हार्ट रेट सब चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। तो फाइनली उन्होंने ये कंक्लूजन लगा कि आपको एंजाइटी हुई है। तो तब से मैंने कोरोना रिलेटेड न्यूज और ये सब देखना बंद कर दिया। अच्छा। मुझे रियलाइज हुआ कि इससे कुछ, इट इज लाइक आउट ऑफ माय सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, या जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। ये चीजें को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको, उस पर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया कि मैं अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, उसमें एंगेज रह सकता हूँ। तो वो चीजों में ज्यादा अपना टाइम फिर लगाना स्टार्ट किया। तो क्या है कि आपको बाकी चीजों में सोचना, या क्या बोलते हैं कि कोरोना की वजह से आप डिप्रेस या डाउन फील करोगे ही नहीं। एज लॉन्ग एज यू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, इट डजंट मैटर। राइट राइट राइट। तो ये एक चीज रही है। तो अभी आपका डेली रूटीन में मतलब किस तरह का आपका है, क्योंकि अभी कोरोना वजह से बिजनेस इंपैक्ट तो है, ये तो घर पे ही हैं, कहीं जा नहीं रहे बाहर। डेली रूटीन में ऐसा है कि मैं 6:30-6:30 बजे उठ जाता हूँ और 8 बजे से वर्क फ्रॉम होम ऑफिस स्टार्ट हो जाती है। सो 8 से 5 वो ऑफिस का ही काम ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन और टीम इंटरेक्शन और एक्चुअल वर्क। और फिर 5 बजे के बाद बच्चों के साथ खेलना,
दो घंटे बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना, गार्डनिंग करना अरे वाह, और वाइफ के साथ टाइम बिताना, वो सारा चलता रहता है और एक सेट रूटीन हो गया है अभी तो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपका सजेशन एक तो कि टीवी मत देखो और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ न्यूज मत देखो, टीवी देखो बट न्यूज कम देखो या देखो ही मत। हाँ, बहुत और अगर बढ़िया देखना बहुत। है तो आपकी लोकल न्यूज़ देखो, क्योंकि लोकल न्यूज़ आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कोरोना हुआ है, आपको कितना केयरफुल रहना चाहिए, वो जरूरी, उसको वो चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ और वो हमें शायद अफेक्ट भी करता है वो चीजें यस लोकल एग्जैक्टली। चीजें, कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है किस एरिया हाँ, में। राइट बाकी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी बोर हो रहे हैं या ये कोरोना कितना चलेगा, ये चलेगा, ऐसा लंबा सोचो मत। जो सोचना है ना आज के लिए सोचो, बस आज को कैसे आप अच्छी तरह से बिता सकते हो, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, बस वही सोचो। बहुत और बढ़िया इस बढ़िया। चीज के लिए मुझे एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक की एक कोटेशन याद आ रहा है, हाँ डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। एक बार आप हमारे ऑडियंस को फिर से वो बुक का नाम बताएं और ऑथर का, मैं भी जरा बुक टाइप का करूँ। नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, जो अच्छा बहुत ही फेमस ऑथर है। उसमें एक कोटेशन ऐसा है कि आवर ड्यूटी डज नॉट लाई, यानी उसका भावार्थ यही है कि आपको ये सोचना नहीं है कि आगे क्या, कितना दूर क्या है, आज के लिए आपके पास क्या है या आपके नजदीक में क्या है उसके बारे में आप सोचो, बहुत दूर की मत सोचो, क्योंकि आप चिंता में ही पूरा टाइम बिताते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो काफी अनसर्टेनिटी सी लगती है, तो मतलब बहुत नहीं, ही ऐसे अनसर्टेनिटी, हाँ, बिजनेस वाइज या वो वाइज हो सकती है, बाकी आपका आप रूटीन अपना सेट कर दो तो वो एक लाइफ की चीज है जो आपके लिए सर्टेन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये बुक प्रियदर्शन ने बताई है, ये बुक मैंने भी पढ़ी है और मैं भी काफी इससे इंस्पायर हुआ था। और डेल कार्नेगी, मुझे लगता है हम लोगों ने तीन चार बुक्स और भी पढ़ी हैं। आई यस, थिंक एक बुक जो काफी हाउ फेमस है, जो टू मुझे गेट लगता है हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स और एमबीए फ्रेंड्स, ग्रेजुएट्स और जो भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं वो सीखते हैं उससे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। वेरी गुड। तो ये ये बुक है। बुक, हाँ ये बुक तो ऐसी, ये वाली बुक ऐसी है कि मैंने हर वक्त अपने बेड के पास रखता हूँ। इसके अरे चैप्टर्स वाह। मैंने हजारों बार पढ़ लिए होंगे, बट हर बार पढ़ता हाँ हूँ तो कुछ नया मीनिंग निकलता है। बहुत बढ़िया। और मैं अपने ऑडियंस को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है प्रियदर्शन से पूछने के लिए या हम दोनों से डिस्कशन करने के लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करो। और अगर आपको हमारा वीडियो सही आ रहा है तो यस टाइप करो, तो मुझे पता चले कि हाँ हमारी वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी और स्ट्रीमिंग सही जा रही है आप लोगों के पास। तो कोई क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ। जब तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, नहीं अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो और ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसी मोटिवेशनल आपका इंसिडेंट हो या कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई कहानी या शॉर्ट इंसिडेंट आपको आता है, जो आप अभी जो नई जनरेशन आ रही है जो कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं, अभी अपने जॉब में आने वाले हैं, जिनका करियर क्यों ना स्टार्ट हुआ है या होने वाला है, क्योंकि अब आपको तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 20 साल का निचोड़ अगर 2 मिनट में 3 मिनट में अगर आप शेयर करना चाहें किसी मोटिवेशनल इंसिडेंट से या किस तरह से। एक चीज में एटलीस्ट जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या अभी जस्ट वर्क में आ रहे हैं, उनके लिए यही एक बात मैं कहूंगा कि अभी सैलरी या कितना अर्न कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस मत करो, कितना लर्न कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस करो, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। एटलीस्ट करियर के 5 साल तो आप कितना कमाते हो वो छोड़ दो, कितना आप सीख पाते हो जहां पे भी आप काम करते हो वही ज्यादा फोकस में रखो। अभी सीखें ज्यादा और सीखने के साथ साथ में फिर चीजें ठीक होती चली आएंगी। गुड। एक क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन भी ले लेते हैं। रत्नाकर ने पूछा है, आई एग्री आई पर्सनल थिंक एज वर्क लाइक टू बी एन ऑफशोर। रत्नाकर मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में तो नहीं आ रहा है। रत्नाकर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आई एग्री विथ सर, आई पर्सनल थिंक एज वर्क लाइक बी ऑन ऑफशोर प्रोजेक्ट टू अवॉइड करो ना।
तो ये हाँ, तो ये तो सही बात है कि हम लोग रिमोटली काम कर रहे हैं या ऑफिशियल काम कर रहे हैं, और जिससे ऑब्वियसली कोरोना का इम्पैक्ट कम है। और मुझे तो ये भी लगता है पर्सनली कि आईटी ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरोना के बावजूद भी चालू है। 85% स्टाफ आज भी काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का तो मुझे लगता है 70-80% स्टाफ काम कर रहा है, स्मॉल कंपनीज का भी 50-60% स्टाफ काम कर रहा है, जहाँ जहाँ काम है वो तो काम हो रहा है। और डॉलर इनकम आ रही है, राइट, एक्सपोर्ट, पूरा ये जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, ये इंडस्ट्री डाउन नहीं हुई है। बाकी इंडस्ट्री भले ही अपना टेक्सटाइल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, वो तो फिजिकली बंद भी है, तो ये गवर्नमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है। ऑब्वियसली ये भी अफेक्टेड है, बट यस इट इज ट्रू। गुड, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके अलावा मेरे को एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में था, और वो ये था कि लॉकडाउन के बाद आप चीजों को कैसे देखते हैं? एक तो हो गया कि हाँ, हम लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम चिंता ना करें, वरी ना करें, है ना, अभी के बारे में सोचें। ये लॉकडाउन खत्म होगा, राइट, भले 31 मई को खत्म हो, 10 जून को खत्म हो, चीजें कभी ना कभी तो जैसे फरवरी में थी उस तरह की चीजें होंगी। अब क्या चीजें होने, आप मतलब आपके एक्सपीरियंस पे, आपके जजमेंट पे, कि क्या होने वाला, क्या होगा, और हम अपने आप को किस तरह से उस चीज के लिए तैयार करें? ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, और लोगों को भी अभी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही कॉमन नॉर्मल नॉर्म बन जाएगा। और उसके अलावा हर बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन एक ऐसा रीसेट बटन आ गया है ना, कि बहुत सारी चीजें इससे चेंज हो जाएगी। जो इंडस्ट्री अप थी वो डाउन हो जाएगी, डाउन थी वो अप हो जाएगी। यानी एक चीज मुझे ये लगता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री में हो ना, आप जो भी फील्ड में हो, आप अपना काम करते रहिए। लाइफ में या ओवरऑल सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपका एक टाइम आएगा कि आपकी इंडस्ट्री में भी वो उछाल आएगा, तब आप वो उसको ग्रैब करने के लिए रेडी होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी को। आप अगर जो अभी करंटली हॉटेस्ट इंडस्ट्री है, हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके पीछे आप भागते रहोगे, तो वो तो ऑलरेडी अभी हॉट है। जब तक आप सीख लोगे, तब तक तो उसका टाइम भी चला जाएगा। इससे बेटर है या तो फिर आप ऐसा सोचो कि आगे कौन सी इंडस्ट्री सबसे टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रेवलेंट होने वाली है आपके थिंकिंग के हिसाब से, उस पर फोकस करना चालू करो। तो टाइम आए कैसा आएगा कि तब वो इंडस्ट्री, जब तक वो आपका वो टेक्नोलॉजी का टाइम आएगा, तब तक आप उसमें प्रोफिशिएंट हो गए हो। तो जो करंट हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको मत पकड़ो, बट जो आगे होने वाला है उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं आपके दिमाग में, अगर इन जनरल आप किसी को सजेस्ट करना चाहें या ओपिनियन देना चाहें, कि क्या लगता है आपको आगे 2 साल 3 साल में ऐसी चीजें जिस पे आज की जनरेशन अगर फोकस करे, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कॉलेज स्टूडेंट, तो शायद उनके सक्सेस होने के चांस या अचीवमेंट्स के चांसेस बढ़ जाए? एक तो मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन वीडियो और ये जो टेक्नोलॉजीज है, उसमें आगे और ज्यादा स्कोप और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि हब हर चीज ऑनलाइन होगी, स्कूल्स भी ऑनलाइन हो चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल और इसमें और आगे क्या हो सकता है, जैसे आज मैं आज का ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मे भी शायद आपको उसमें से हिंट मिले या आपको एक इंस्पिरेशन मिले। आज मैं मेरे लड़के का फर्स्ट सेशन था, पेरेंट्स का सेशन था स्कूल में जूम पे। अभी ओके इतने लोग ऑलरेडी, जूम बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रोमिनेंट वीडियो का प्लेटफॉर्म है, बट राइट स्टिल लोगों को यूज करना, प्लस उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि लोग एक साथ बोल रहे थे, ये सारी चीजें, दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज की ये सारे प्रॉब्लम्स है कि जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। यानी एक अगर बोल रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक म्यूट हो जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, हाँ या सबको पता चलना चाहिए कि भी कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। अगर आप 40 लोग एक साथ ये करोगे क्लास बना के, तो उसमें आपको पता नहीं चलने वाला कौन बोल रहा है, और एक साथ सभी लोग बोल रहे थे, राइट राइट तो इस तरह की चीजें आपको, जो आपको पर्सनली लगती है कि बहुत ही आपको खुद जो प्रॉब्लम लग रहे हैं, वो अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली हर चीज में अपॉर्चुनिटी है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मुझे लगता है ये सारी चीजें शायद आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट, हर एक चीज में
जो भी कह सकते हैं इंटेलिजेंस है या ऑटोमेशन है ये बढ़ने वाला है, और ऑनलाइन और डिजिटल चीजें तो डेफिनेटली अब चाहे वो थोड़े टाइम बाद जब 5G आ जाएगा तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो जितनी बढ़ जाएगी और हिसाब से उसकी यूटिलिटी और उसका यूज बढ़ेगा, उस हिसाब से हर चीज में हो सकता है कि डॉक्टर्स भी अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन देने लग जाएं, जो भी चीज हम आज मार्ग चल रहे हैं। हाँ अभी जो नया सॉरी अभी जो नई चीज है मुझे लगती है वो है कि ऑनलाइन बर्थडे पार्टीज, ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन क्रीमेशन, ये सारी चीजें बहुत ही नई है और बट इसमें लोग फॉरेन कंट्रीज में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, या मैंने भी देखा था जापान में या यूएस में कहीं पे कॉलेज का प्रोग्राम पूरा ऑनलाइन किया उन्होंने, डिग्री बांटने वाला प्रोग्राम जो कन्वोकेशन था वो भी हो सकता है। हम लोग को आज जो लग रहा है कि ये ऑनलाइन हो नहीं सकता है या डिजिटली हो नहीं सकता है या डिजिटली पॉसिबल नहीं है, हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है या 4G 5G आने के बाद या और डिजिटली एडवांसमेंट आने के बाद चीजें होने लग जाए और कोरोना एक अपॉर्चुनिटी बन के निकले कि उससे वो इनोवेशन जो है वो और स्पीड अप हो जाए, एडॉप्शन जो है वो फास्ट और तेजी से होने लग जाए। गुड, बहुत बढ़िया। सो ये मैं सब लोगों से जो ऑडियंस अभी ज्वाइन की हुई है मैं फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज टाइप करके पूछें और मैं और प्रियदर्शन बात कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज मेरी साइड क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोगों ने आधे घंटे का ये लाइव रखा था तो वी ऑलरेडी क्रॉस दैट टाइम। अगर कोई क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन तो हम लोग वो ले सकते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बात करके और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है जब मैं तुमसे बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ तो बहुत हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ओके तो 10 सेकंड और देते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लेते हैं। ओके आई थिंक सब लोगों के लिए अभी आई थिंक वी आर वाइंडिंग अप नाउ, तो प्रियदर्शन थैंक यू वेरी मच आपने इतना टाइम निकाला हम लोग के साथ में और लाइव पे आने के लिए, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्रियदर्शन के लिए मेरे लिए तो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ मेरे डिटेल्स, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हम लोग का यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग है और व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है प्रियदर्शन तो मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन हम लोग ले लें लास्ट में, एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है कि हाउ कोरोना विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन IT सेक्टर। जैसे इसके बारे में मैंने जो बताया, एक चीज है कि कोरोना की वजह से लोग ज्यादा बाहर निकलेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें घर से होने वाली है, वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए कुछ भी, तो उसके कारण IT इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि और भी ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स बनाए जाएंगे जिससे कि वर्क इसी तरह वर्क फ्रॉम होम से होता रहे, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जो IT इंडस्ट्री को ही काम में आने वाले हैं और IT इंडस्ट्री को ही इसका काम मिलने वाला है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कि जितना जल्दी हो सके इस पे काम करना शुरू कर दे ताकि ये अभी ट्रेंडिंग होने ही वाला है और हो चुका होगा रादर। बिल्कुल, गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि सारे प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के हैं वो ऑनलाइन आ जाएं, किसी को भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाने की जरूरत ना पड़े, बैंक चाहेंगे कि कुछ इस तरह के और नए सिस्टम बने जैसे लोग बैंकों में ना आए, लोग मोबाइल फोन पे या कोई भी IT प्लेटफॉर्म पे आके काम कर पाए, फिजिकल टू फिजिकल इंटरेक्शन कम से कम हो, उसमें खर्चा भी है, सेविंग भी है और पॉसिबल भी है आज की तारीख। और दूसरा कि अभी अपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो अभी अनाउंसमेंट किए उसमें फर्स्ट ट्रेंच में एक अनाउंसमेंट किया था कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के टेंडर्स जो है 200 करोड़ से बिलो हैं वो अभी डोमेस्टिक कंपनीज को ही दिए जाएंगे। अच्छा, तो डेफिनेटली दिस कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर IT कंपनीज ऑल्सो टू बिड ऑन सच टेंडर्स, उसमें आपको फॉरेन कॉम्पिटिशन नहीं लगने वाली है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो।
ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मीडियम साइज कंपनी हो तो आपको आईबीएम से तो कंपटीशन नहीं मिलेगा उन टेंडर्स में, ऐसी चीज है, या गूगल से, फेसबुक से, या जो भी बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनसे तो आपको कंपटीशन नहीं मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, गुड। तो ये था हमारा आज का फेसबुक लाइव। मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और हमारी बातों से आपके समय का फायदा हुआ होगा। और प्रियदर्शन, मैं आपको पर्सनली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ थैंक यू। मेरी जो हेल्प करी मुझे उसके लिए भी थैंक्स। और इसी तरह से अगर आप लोग का इनकरेजमेंट मिलता रहेगा तो हम लोग इस तरह के फेसबुक लाइव हर हफ्ते लाते रहेंगे अलग अलग गेस्ट के साथ में, ताकि हम लोग उनके साथ सीखें और अपना जो ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है उसको हम लोग एज मच एज पॉसिबल प्रोडक्टिवली यूज कर पाए। सो थैंक्स एवरीबडी हु ज्वाइन ऑन अवर फेसबुक लाइव, थैंक्स एवरीवन। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे बिजी। थैंक यू। थैंक यू, बाय।